सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप ये बेसन के लड्डू घर पर बनाकर तैयार कर सकते हो। और इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पर रखे हुए सामान से इनको इजीली बनाकर तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। घी को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे। घी मेल्ट होने के बाद में, अच्छी तरह से गर्म होने के बाद में, अब मैंने यहाँ पर बेसन लिया है और बेसन को घी के अंदर ऐड कर दिया है। लड्डू बनाने के लिए अगर आपके पास में मोटा पिसा हुआ बेसन है तो आप उसका यूज़ कीजिएगा, उससे लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से घी के अंदर बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें इसको इतना भूनना है कि ये बेसन जो है इसका कलर चेंज हो जाए और बेसन के अंदर दाने पड़ने लगे। तो हमें इसको इसी तरह से अच्छी तरह से चलाते हुए और इसको भून लेना है। बेसन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, ये देखिए आप, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और उसके अंदर दाने भी पड़ चुके हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने रख देंगे। बेसन हमारा ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ली है, शुगर, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और यहाँ पर काजू का पाउडर और बादाम का पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप किसी और ड्राई फ्रूट्स का भी इसके अंदर पाउडर का यूज़ कर सकते हो। और अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में अब हमारा जो मिक्सर है वो लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसका नॉर्मली जिस तरह से लड्डू बनाते हैं छोटा सा इसके अंदर से पोर्शन ले लेंगे और इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से राउंड करके और इसका लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, इसका हमने नॉर्मली जैसे लड्डू बनता है लड्डू बना लिया है। और अब मैंने यहाँ पर पिस्ता नट्स जो रहता है पिस्ता, उसको कट करके 1/2 में, और इसके ऊपर हम एक पिस्ते का जो पीस है उसको ऐड कर देंगे, देखिए इस तरह से। तो फाइनली ये हमारा लड्डू बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार है। आप इसको एक बार घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी और रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।